बताया था। क्या कार्रवाई हुई उनके खिलाफ जब सीबीआई ने साबित किया और सीबीआई ने आरोप लगाया कि ये जघन्य रेप और गैंग रेप था और मर्डर था? क्या कार्रवाई हुई उन बीजेपी प्रवक्ताओं के खिलाफ जिन्होंने बार बार चैनलों पर जाकर विक्टिम शेमिंग की बात करी और ऑनर किलिंग तक का नाम दिया? क्या कार्रवाई हुई उन लोगों के खिलाफ? और मैं ये चीज आपको दिखाना चाहती हूँ, ये जरूरी है दिखाना। ये एक नोटिफिकेशन है उत्तर प्रदेश सरकार का, और सोचिए इसमें ये क्या कहता है। डीआईजी लेवल के अधिकारियों तक को जिलों का नोडल अधिकारी बनाया गया है। किस चीज के लिए? लॉ एंड ऑर्डर के लिए नहीं, पुलिस अधिकारियों को ये बोला गया है कि आप किसानों को चिन्हित करिए कि कौन से किसान किस आंदोलन में जा रहे हैं, उनसे संवाद स्थापित करिए। पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर है या पुलिस का काम कानून को एक्सप्लेन करना है लोगों को? शलभ मणि जी, जवाब कानून को, ये किस तरह की बातें हो रही है इस प्रदेश में? शलभ मणि जी, जवाब से अनुराग जी फौरन आ रहे हैं। जो हाथरस में बार बार विक्टिम शेमिंग करते थे, आज फिर से देखिए, अभी मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ आज तक को, कम से कम आपने हिम्मत तो जुटाई है ना इतनी बड़ी खबर ब्रेक करने के लिए, डिबेट करने के लिए। इस देश में और भी लोग हैं जो महिला के सम्मान के लिए आज बात नहीं बोल पा रहे। इतनी गंभीर घटना है, ये सुन के दिल दहल जाएगा। अभी अभी सुप्रिया जी ने बताई है कहाँ पे कैसे कैसे चोटें लगी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी लंबी लंबी बातें अभी कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हाथरस के समय में अंजना जी आप भी डिबेट कर रही थी, यही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, यही भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या कहते थे कि नजीर पेश करेंगे। क्या नजीर पेश किया आपने? एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को जेल के अंदर भेजा आपने? डीएम को जेल के अंदर भेजा? वहां के एसपी को जेल के अंदर हाथरस के भेजा आपने? किसी को नहीं भेजा। आप उसको अभी तक पाल रहे हैं, पोस रहे हैं।